हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लैंडस्केप शेडिंग टॉपिक है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, सबसे पहले यहाँ पर मैं माउंटेन्स ड्रॉ करती हूँ। सबसे पहले बेटा वही चीज़ ड्रॉ करते हैं जो थोड़ी दूर होती है, जो ज़्यादा दूर चीज़ है, जो जितनी दूर है वो उससे पहले ड्रॉ होगी। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल लाइट पेंसिल से ड्रॉ किया है। आपको भी लाइट पेंसिल ड्रॉ करनी है, स्टार्टिंग में बिल्कुल लाइट पेंसिल ड्रॉ करते हैं। ओके, डार्क नहीं करते। यहाँ पर ट्री है, ये हल्का हल्का इसको रफली ड्रॉ कर लो, ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है इसमें, रफली ड्रॉ कर लो। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी ग्रीनरी शो करते हैं। सारा यहाँ पर वाटर वाटर शो हो रहा है। यहाँ से थोड़ा सा ऐसे दिखाया हुआ है वाटर गिरता हुआ। ठीक है, यहाँ पे वाटर हमें गिरता हुआ दिखाना है। यहाँ पर ये ट्री यहाँ पर सेंटर में, ये यहाँ से गिरते हुए वाटर, फिर यहाँ पर ऐसे, ये देखिए। ओके, यहाँ पर थोड़े से स्टोन्स ड्रॉ करे हुए, ये सारा लैंड शो करा हुआ है। और यहाँ पर हल्की हल्की ग्रास, ठीक है बेटा। चलिए अब हम इसमें शेडिंग स्टार्ट करेंगे। पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं प्रॉपर। चलिए शेडिंग स्टार्ट करते हैं। शेडिंग स्टार्ट करते हैं हम इस वाले ट्री से। देखिए इसको थोड़ा सा क्लोजअप कर देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। ध्यान से देखना कैसे हो रही है शेडिंग। बस ये बहुत ही रफली शेडिंग करी हुई है बेटा, इसमें कोई डिटेल नहीं है, कुछ नहीं है, बस हल्का हल्का ऐसे। देखिए मर्ज नहीं हो रही है लाइन्स, हल्की हल्की शेडिंग है, दिख रहे हैं?
शेडिंग करने के बाद हर एक ड्राइंग को शेप देते हुए चले जाएंगे, ऐसे शेप शेडिंग के बाद देनी है, शेडिंग से पहले नहीं। देखिए यहाँ पर हल्की हल्की डिटेल दे देंगे शेडिंग करने के बाद। देखिए ऐसे शो करना है। बिल्कुल भी शेडिंग डिटेल्स में नहीं है बेटा, इस टॉपिक में कोई मुश्किल नहीं है, सभी बच्चे कर लेंगे। शेडिंग करने के बाद इसमें थोड़ी डार्क पेंसिल चला के डिटेल देनी है।
यहाँ पर पूरा वाटर शो करना है हल्का हल्का। यहाँ से वाटर गिरता हुआ बेटा, आपका लैंडस्केप टॉपिक कंप्लीट है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रफली शेडिंग करनी है आपने।